हे व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप सब बहुत अच्छा होंगे एंड उसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सो जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा किस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले। जी हाँ, आज हम लूसेंट की जीके की बुक के ऊपर बात करेंगे एंड इसको कैसे इफेक्टिवली हम पढ़ सकते हैं एंड इफेक्टिवली मेथड्स मतलब इफेक्टिव मेथड से हम नोट्स बना सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के एंड टाइम पे प्रिपरेशन करने के लिए रिविजन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो देखिए, आपको सिंपली सबसे पहले इफेक्टिव वे से पढ़ना सीखना होगा। जी हाँ, ये लूसेंट की बुक 90% एस्पिरेंट्स के घर पे रूम पे पड़ी होगी एंड वो इस बुक को यूज़ करते होंगे, बट उनमें से काफ़ी ज़्यादा ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको लूसेंट बुक को अच्छे तरीके से पढ़ना नहीं आता, मतलब इफेक्टिव वे में पढ़ना नहीं जानते हैं वो। सो वो आज मैं आपको बताने वाला एंड ये हेल्प मतलब ये टिप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। सो देखिए, सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आज आपको पढ़ना है क्या। पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जो भी पढ़ना है पहले आप डिसाइड कर लीजिए। वो आप सुबह टू डू लिस्ट बनाते टाइम वहाँ पे डिसाइड कर लीजिए कि आज आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। सो जब आप एक बार डिसाइड कर लेंगे तो आप इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन पे आइए, वहाँ से आप पहला टॉपिक उठाइए। जी हाँ, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरी किताब एक दिन में ही ख़त्म कर रही है। जी नहीं, आप एक टॉपिक उठाइए एंड उसका सब टॉपिक उठाइए। आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का सब टॉपिक जो भी चैप्टर वन है मतलब टॉपिक नंबर वन है उससे स्टार्ट करिए एंड उसको एक मतलब स्टोरी की तरह रीड करना चालू कर दिए। जी हाँ, ये मैक्सिमम मुश्किल से 4 से 5 पेज के एक टॉपिक्स होते हैं। अब उस टॉपिक को आप एक स्टोरी की तरह रीड करना चालू कर दीजिए, बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह आप रीड करते चलिए जैसे एक छोटा बच्चा रीड करता है। आप उस टॉपिक को कंप्लीट रीड करिए, मुश्किल से हार्डली 15 से 20 मिनट का ये प्रोसेस रहेगा, वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। देन आप एक 10 मिनट का 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, आप जाइए पानी पीजिए, टीवी देख लीजिए, 10-15 मिनट बस 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना है एंड उसके बाद आके दोबारा से आपको रीड करना चालू करना है। जी हाँ, अब जब सेकेंड टाइम आप रीड कर रहे होंगे उसको थोड़ा सा सीरियसली रीड करिए, इससे ये होगा कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपके धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होना चालू हो जाएगा। अब देखिए, सेकेंड रीडिंग में आपको कुछ ज़्यादा समय लग सकता है बिकॉज आप जब सीरियस रीडिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, 40 मिनट 50 मिनट लग सकते, तो आप घबराइए मत उस चीज़ को देख के। अगर टाइम लग रहा है उसको लगने दीजिए, आपको रातों रात कोई जंग नहीं जीतनी, ठीक है। जितना टाइम हो सके उतना बढ़िया है ताकि आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फीड हो, ताकि जब आप रिविज़न करने बैठे तो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सो आप देखिए, सिंपली जब ये हो जाएगा तो आप इसके बाद बंद करिए किताब, देन आप दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। मैथ पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, वोकैब पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए एंड 1.5 घंटे 2 घंटे बाद दोबारा लूसेंट पे आइए एंड इस टाइम आप अपने साथ हाइलाइटर रखिए, पेंसिल रखिए या फिर कोई रेड पेन रखिए जिससे आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर सकें। सो जब थर्ड रीडिंग करने आप बैठिए एंड हाथ में मतलब हाइलाइटर से मार्क करते हुए चलते रहिए थर्ड रीडिंग में जो इम्पॉर्टेंट लगे, बिकॉज देखिए 2 बार रीड कर चुके हैं तो आपको नॉलेज हो चुकी है कि इस टॉपिक के ऊपर मतलब इस टॉपिक में क्या है एंड तीसरी रीडिंग में आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करना चालू कर दीजिए एंड इससे ये होगा कि जो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करोगे बिल्कुल अप टू पॉइंट होगा, कोई मतलब फालतू चीज़ नहीं होगी, बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आप मार्क करेंगे। इससे ये रहेगा कि देखिए आप ये ऑलरेडी आप थर्ड टाइम आप रिविजन कर रहे हैं इसका एंड ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड होगा विद फैक्ट्स। देखिए, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं, वो जब फर्स्ट रीडिंग करने बैठते हैं वो उसी टाइम पे हाइलाइटर पेन से मार्क करना चालू कर देते हैं एंड उस फर्स्ट रीडिंग में सारी चीज़ें उनको इम्पॉर्टेंट लगती हैं एंड यहीं पे जो उनके नोट्स बनते हैं वो एक तरह से पूरी किताब उतार देते हैं अपनी कॉपी में, उसको नोट्स नहीं वो एक तरह से अब बुक की कॉपी उतार रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। हमेशा आपको हाइलाइटर का इस्तेमाल थर्ड रीडिंग में करना है एंड उस थर्ड रीडिंग में करने से ये लाभ रहता है कि जो आपने पहले 2 रीडिंग में तीसरी रीडिंग में जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड होगा एंड आपकी पूरी बैक ऑफ द स्टोरी आपको पता होगी कैसे क्या हुआ था एंड उसमें से आपका दिमाग अपने आप ऑटोमेटिकली काम करेगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, ये मेरी कुछ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में पढ़ रहा था, यहाँ पे मैंने थर्ड रीडिंग में कैसे मार्क किया था लिमिटेड पॉइंट्स। देन उसके बाद ये जब मार्क कर लीजिए उसके बाद आप सिंपली कॉपी पेन उठाइए एंड वहाँ पे नोट करना चालू कर दीजिए तुरंत। मतलब जरूरी नहीं है कि आप आज ही करिए, 1-2 दिन के गैप में करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा कॉपी में नोट करना, बिकॉज 1-2 दिन के गैप में ये रहेगा कि आपका एक बारी 3 रीडिंग आपने एक दिन करी, फिर 2-3 दिन के गैप में जब नोट्स बनाना चालू करेंगे कॉपी पेन उठा के, तो इससे ये होगा कि वो जो आपने पिछला मतलब जो पढ़ा था वो रिकॉल होने चालू हो जाएगा। इससे ये रहेगा कि आपकी रिविजन भी हो जाएगी एंड अच्छे तरह से दिमाग में फीड हो जाएगा एंड कॉपी में भी आप उतार लेंगे। सो ये एंड में
जब एग्ज़ाम्स मतलब एक दो महीने बचे होंगे एंड आप रिवीजन करने बैठोगे, तो सिंपली कॉपी जब एक बार उठाओगे आप देखना चालू करोगे, आपके दिमाग में बिल्कुल फ्लैशबैक की तरह पूरी स्टोरी आने लगेगी एंड आपका रिवीजन काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा बिना ज़्यादा एफर्ट्स के साथ। सो देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। सो यहाँ पे देखिए, मेरी इंडियन पॉलिटी की कॉपी है, मैंने नोट्स बनाया था अपने फोर्थ रीडिंग पे। सो फॉर एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं एंड आप भी इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं जो कि मैंने बनाई है बिल्कुल थर्ड रीडिंग में, फोर्थ रीडिंग में इनफैक्ट। एंड लूसेंट के साथ मैंने अपने साथ एक बुक और रखी है, वो उस बुक का नाम है अरिहंत की मनोहर पांडे, जीके बाय मनोहर पांडे 2022 फॉर रेफरेंस। जी हाँ, मैंने रेफरेंस के तौर पे इस बुक को रखा था, मैं रेफरेंसली इस बुक को पढ़ता था एंड स्टोरी मतलब किसी टॉपिक के बारे में मेरे को जानना रहता था कि हाँ इस टॉपिक में हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, उस मनोहर पांडे बुक से मैं पढ़ता था। देन उसके बाद लूसेंट पे आता था डीप एनालिसिस के लिए, देन उसके बाद मैं बाकी आगे फर्दर जो मेरे स्टेप्स हैं मैं उनको फॉलो करता था। सो यही कुछ टिप्स हैं जिससे आप इफ़ेक्टिवली आप पढ़ सकते हैं एंड इफ़ेक्टिवली आप नोट्स बना सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। एंड एक चीज़ और, अगर आप नोट्स बना ले रहे हैं, रीडिंग कर लें, इसका ये मतलब नहीं आपने बिल्कुल रजिस्ट्री करवा ली है कि आपको बिल्कुल लाइफ टाइम याद रहेगा। नहीं, आपको मंथ में एटलीस्ट 3 बार उसी चीज़ को रिवाइज करना पड़ेगा। जी हाँ, मंथ में 3 बार आपको रिवाइज करना उसी टॉपिक को। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे उसको रिवाइज करोगे, कैसे टाइम निकालोगे, वो सब अब टाइम मैनेजमेंट, टाइम स्केड्यूल आपको रखना है। सो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आपको अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर आपके डाउट क्लियर करते हुए वीडियो बनाऊँगा। सो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में।